हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ हैंडवाल। सो इन एट्थ क्लास वी वर डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हाउ यू विल स्क्वायर ऑफ एनी नंबर और हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो बच्चों, इन द लास्ट वीडियो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। हाउ यू विल फाइंड ए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, व्हाट इज द कॉन्जुकेटिव सम्स, व्हाट इज द ट्राइंगल नंबर्स। इज इट क्लियर बच्चों? सो टुडे वी विल स्टार्ट, एंड हमें लास्ट टॉपिक ये भी बताया था, हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। देयर इज थ्री मेथड, वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, अदर इज डिवीजन मेथड, एंड थर्ड मेथड विच वी विल नॉट डिस्कस और वी विल नॉट फॉलो टू सॉल्व क्वेश्चन, विच इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, विच इज ए वेरी लेंथी मेथड। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व some more question related to the prime factorization method, how you will find square root of any number with the help of prime factorization method। बच्चों जैसे ध्यान दीजिए, आपके पास एक नंबर है 216। कौन सा नंबर है? 216। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 108, अगेन डिवाइड बाई 2, 54, अगेन डिवाइड बाई 2, 27, अगेन डिवाइड बाई 3। अब बच्चों ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। 216 हो गया, 27। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 9, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 1। बच्चों क्या यहाँ पे पेयर बन रहे हैं 2-2 के? सर ये तो आ गया, पर 2 एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ पे कौन आ रहा है सर? 3-3 आ गया, बट सर यहाँ पे 1-3 एक्स्ट्री आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कैसा हो गया? सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है हमारा ये नंबर। अगर यहाँ परफेक्ट क्यूब होता तो देखो 3-3 के बन जाते, बट सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, व्हाट शुड बी डिवाइड इन 216। 216 में आप किसका डिवाइड करेंगे, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो बच्चों ध्यान दो, 216 को आपने क्या लिख दिया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इज इट क्लियर बच्चों? सर एक पेयर बन रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे बन रहा है सर, तो 2 × 3 तो हो गया, ठीक है, बट सर एक्स्ट्रा हमारा है 2 और 3 आ रहा है। तो बच्चों जो भी एक्स्ट्रा आते हैं आपको, ठीक है, अब उनसे ही मल्टीप्लाई कर दें आप, अगर मल्टीप्लाई के लिए पूछ रहे हैं। या ऐसा आ जाता, व्हाट शुड डिवाइड इन 216 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दो, अगर यहाँ पे 2 और 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर देते, 2 और 3 से ही डिवाइड कर देते, देखो 2 से 2 कट जाता, 3 से 3 कट जाता, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता। हमें किससे डिवाइड करना पड़ता, 216 को सर हमें डिवाइड करना पड़ता 6 से, तो हमें कितना मिल जाता, 36 मिल जाता, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। या वो पूछता इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई करें, तो सर 216 में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1-2 और ले लूँगा तो पेयर बन जाएगा, 1-3 और ले लूँगा तो पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36, 9 और 12। ये देखो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 36 का है। इज इट क्लियर बच्चों? 34 का होना चाहिए, वो भी हम फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा किसका है किसका नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिए, ये वैसे 36 का ही लग रहा है मुझे, अभी फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चों लास्ट में 6 है, तो हो सकता है उसके वंस प्लेस पे 4 रहा हो या वंस प्लेस पे 6 रहा हो। अब बच्चों इसी में दूसरा मेथड है आपका, वो कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों? डिवीजन मेथड है। जैसे डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे, देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन है बच्चों, 4096। क्या है क्वेश्चन? 4096, ठीक है बच्चों। जब भी डिवीजन मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप 2-2 नंबर का पेयर बनाएंगे, ठीक है। कितने नंबर का पेयर बनाएंगे? 2-2 का। फिर अब देखो डिवाइड करने का तरीका, देखिए बोर्ड पे, तो सबसे पहले आपका नंबर लिखा हुआ है 4096। बच्चों 2-2 के अगर आपने पेयर बना ले तो यहाँ पे कौन आ रहा है? 40। 40 से पहले कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है?
40 खुद तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 40 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? सर 36 आता है। तो बच्चों 6 का स्क्वायर ही तो होता है वो, तो 6 यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि 6 टाइम जा रहा है, 36 आएगा सर। ठीक है, आप इस 6 को फिर से यहाँ पे लिखे, इन दोनों को तो आप सम करेंगे, 12 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया रिमाइंडर 4। आगे से 2 डिजिट को क्या ले लें, नेक्स्ट 2 डिजिट को आप, नेक्स्ट पेयर को आप यहाँ पे राइट करेंगे। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, अगर अब इस 12 के साथ हम क्या लें, अब इस 12 के साथ हम क्या लेंगे, अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो 122 हो जाएगा, तो उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं तो 123 हो जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 4 लेते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 से ले रहे हैं हम, जैसे 4 ले लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखो 124 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 496, तो यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। अब इसका सब्ट्रैक्ट करो 0, जैसे आपका काम 0 पे आ जाए, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। कितना आ गया स्क्वायर रूट बच्चों, 64। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तब भी कितना आता है, 64। और जो एस्टिमेशन मेथड है वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, जैसे ध्यान दो सर लास्ट में 6 आ रही है, ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, जब किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वंस डिजिट अगर 6 है, तो ये जिस नंबर का परफेक्ट, जिस नंबर का ये स्क्वायर था सर, ये बात या तो वहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में भी बच्चों क्या आता है, 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में भी कितना आता है लास्ट में, 6 आता है। तो अब देखिए, फिर उससे पहले देखिए, 40 से पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है सर, 6 का आता है, जो 36 होता है, तो या तो हमारा नंबर 64 होगा या हमारा नंबर 66 होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस नंबर को नोट करूं, तो अगर आप देखिए 60 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3600, और 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 4096। अब आपसे पूछूं, ये वाला नंबर इसके पास में है या इसके पास में, सर इनमें डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब नंबर हम 4 ले लेंगे। अगर ये नंबर थोड़ा इसके पास में होता तो हम 6 ले लेते, इसका मतलब ये हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 64 का। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। अब हम हमारी, अब इसमें एक मेथड और है, वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। बच्चों वो मेथड डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ईजी मेथड है वैसे तो, बट बहुत लेंदी मेथड है। देखो उसमें कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो हम एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर जैसे बुक में एग्जाम्पल गिवन है, और वो एग्जाम्पल गिवन है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कितना गिवन है बच्चों, स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 576 दे रखा है। अब आप सबको पता है सर इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है। देखिए तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों, अब आप एक काम करेंगे, जैसे इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 575। अब 575 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के बाद में, सॉरी ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको कितना मिल गया, 572। अब आप 572 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 5 कम कर देंगे, 567। अब आप 567 में से 7 कम करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। अब आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ओड नंबर को, जब आपको लास्ट में बच जाएगा 0, तो आपने इसे कितनी स्टेप्स फॉलो करी, आप ऐसे 24 स्टेप फॉलो करोगे तब आपको लास्ट में क्या मिलेगा बच्चों, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब आपका इसके स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 24। हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज दिस मेथड इज़ वेरी लेंदी। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा बच्चों, यस कैमरा इज वर्किंग। अब बच्चों देखिए, इस सक्सेसिव में ये तो चलो एक बड़ा एग्जाम्पल था, चलो मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 25, बोले आप 25 का स्क्वायर रूट, सब बच्चों को याद है, मैंने आपको क्या बोला था, 25 और 30 तक तो आप स्क्वायर रूट याद ही कर लें, हमेशा जब भी कैलकुलेशन में काम में आएगा आप सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, आप ये निकालने के लिए नहीं बैठेंगे भाई, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड यू विल जस्ट सिंपली रिमेंबर द वैल्यू। अब सर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए आपने बोला नहीं करेंगे, बहुत लेंदी मेथड है, पर इसका एक छोटा नंबर लेके मैं बता देता हूँ फिर से। सबसे पहले आप एक ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, अब 24 में से अगली बार 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आ गया, 22।
अब 22 में से अगली बार बच्चे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा, ठीक है, तो 22 में से 5 जाता है तो सर 17 आता है। अब बच्चे हमारा 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आएगा कि नहीं आएगा। अब बच्चों 10 में से हमारे बच्चे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो गई, लास्ट में रिमाइंडर क्या आना चाहिए था बच्चों, 0 आना चाहिए था। देखिए सबसे पहले आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 24 हो गया, ठीक है, फिर 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई सर, यहाँ पे आएगा 21, ठीक है सर, फिर 21 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। 16 में से बच्चों 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9, और अगर आप 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट में कितना मिल जाएगा आपको, 0। तो आपने कितनी स्टेप फॉलो की, 1 2 3 4 5 स्टेप आपने फॉलो की है, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5। तो ये बहुत लेंथी मेथड है। जैसे मैं एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे एक नंबर लिया 49, अब सर हम सबको तो पता है 7 है, बट इस मेथड से करना चाहिए तो सबसे पहले आप एक ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 48 आएगा। अब 48 में से नेक्स्ट ओड नंबर को सर, 1 के बाद में ओड नंबर 3 आएगा, 48 में से 3 गया तो बच्चों कितना आएगा, 45। अब इसके अगला सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑर्डर, 45 माइनस 5 कितना आ गया बच्चों, 40, ठीक है। अब 40 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया, 33। अब बच्चों 33 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब बच्चों हम 24 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही हमारा 0 हो जाएगा हम सिंपली वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब स्टेप्स गिने, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हमने फॉलो की, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल बी इक्वल टू 7। बच्चों मेथड इज़ वेरी इजी बट दिस मेथड इज़ वेरी लेंथी, सो इन जनरल कैलकुलेशंस अगर क्वेश्चन बोलता है तो हम कर देंगे, बट जनरली हम सोल्व नहीं करेंगे आगे जाके इन फ्यूचर। आपको मेथड्स तो ध्यान रखने हमेशा काम में आएंगे, पर इस मेथड को आप ध्यान नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी बुक में गिवन था इसलिए हमने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए। बच्चों जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों अब हम तुम्हारे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.2 हो गया था, अब हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों 3.3, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 3.3 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मेथड मेंशन, जो मेथड मेंशन है, जैसे फर्स्ट वाले में दे रखा प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड वाले में दे रखा है एस्टिमेशन, थर्ड वाले में दे रखा है सब्ट्रैक्शन, फोर्थ वाले में दे रखा है बच्चों डिवीजन मेथड। जस्ट होल्ड द सेकंड, यस बच्चों जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि आप क्या सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों, और फर्स्ट में भी 4 क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है, 256, 361, 225। आपको किसके हेल्प से यहाँ पे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालना है इसका स्क्वायर रूट। जैसे ये आपका 256, बच्चों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है आपका ये 128 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों ये 64 टाइम, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा है आपका 32 टाइम, फिर भी 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम हो रहा है, 16 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 8 टाइम, अगेन डिवाइडिंग बाय 2 4 टाइम, अगेन डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स 2 इंटू 1, इज इट क्लियर बच्चों।
देखो 2 से डिवाइड किया 128, फिर 64, 32, 16, 8, 4, 2, 2. अगर आप पेयर बनाए 2, 2 नंबर के, सेम नंबर होने चाहिए. एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा. तो इन सब का आप मल्टीप्लाई करें जो आपने बाहर निकाले. सर 2 4 टाइम आया, इसका मतलब हमारा क्या आ गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 256, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों, 16. अब जैसे आपका 361 है, बच्चों याद ही रख लो कि सर 19 है, क्योंकि अब आप यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ये नंबर डिवाइड ही नहीं होगा किसी से, 19 से डिवाइड हो गए डायरेक्ट. ठीक है ना बच्चों, 19 और फिर 19 टाइम डिवाइड हो गए सीधा ही. इसका मतलब दोनों में से एक निकलेगा 19 बार आ जाएगा, इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 19, 225. बच्चों ध्यान दो, 3 से डिवाइड हो रहा है. देखिए आप, सम ऑफ द डिजिट इज 9 विच इज डिविजिबल बाय 3. 3 से डिवाइड हो रहा है सर, ये 7 टाइम हो गया, फिर 5 टाइम हो गया, फिर सर 3 से डिवाइड हो रहा है 25 टाइम. 25 इज डिविजिबल बाय 5, अगेन 5 इज, बच्चों यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 15, जो कि हमें पता भी था कि 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15. नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन, 36, 81, 121. बच्चों इसका एस्टिमेशन देखिए आप, सर लास्ट में 6 है, वैसे हमें पता है सर, पर सीखा क्यों रहे हैं अगर बड़ी डिजिट आ जाए तो. सर लास्ट में 6 है, या तो 4 का स्क्वायर रह रहा होगा या 6 का स्क्वायर रह रहा होगा, तो आप कोशिश करें इस जो आपका वंस प्लेस आ रहा है ना, आप इसका स्क्वायर रूट लें. सर 6 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो आप 6 को एज इट इज रहने दो, अब इस डिजिट को भूल जाओ, अब आप 3 पे आ जाओ. ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 ही डिजिट है तो हम 1-1 डिजिट की बात कर रहे हैं. अब आप 3 पे आ जाओ, 3 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, सर 1 ही आता है. 3 के फिर 4 होता है, पर वो बड़ा है, छोटा देख, या तो इक्वल देख लीजिए या छोटा देख लीजिए, सर 1 आ जाएगा. ठीक है, बट सर यहाँ पे तो देखो हमारा 2 डिजिट का नंबर था, जब 2 डिजिट का नंबर है तो हमारा सर परफेक्ट स्क्वायर सिंगल डिजिट का ही आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया. सेम 81 है, इज इट क्लियर. तो आप वंस प्लेस को देखिए, सर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा, इज इट क्लियर. बट ऐसा हमें नहीं देखना है, आप देखिए सर लास्ट में 1 है तो या तो सर वो 9 का स्क्वायर रह रहा होगा या वो किसका स्क्वायर रह रहा होगा, 1 का स्क्वायर. तो देखो अगर 1 का स्क्वायर करते तो सर 1 आता, बट 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो ये किसका स्क्वायर है, सर इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा. जैसे 3 डिजिट वाले में देखिए बच्चों, आप वंस प्लेस को देखिए, वंस प्लेस को, तो वंस प्लेस का स्क्वायर रूट लें, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. अब 12 से पहले स्क्वायर रूट नंबर सर कितना आता है, देखो बच्चों जब भी हम दो दो का ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे देखो आप क्या बना रहे हो, दो दो का ग्रुप बना रहे हो, तो आप दो का ग्रुप बनाए उसमें वंस वाला डिजिट देखें, उसका स्क्वायर रूट लें, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा. सर 2 डिजिट की बात थी, ये फिनिश हो गया. अब इस नेक्स्ट डिजिट में क्या 1 से छोटा या 1 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, सर आता है, वो 1 होता है. इसका मतलब इसका स्क्वायर रेट कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इज इट क्लियर. जैसे अगर आपको मैं इसी में शॉर्टकट बताऊं, 4G वो इसका तो बता ही दिया आपको, अभी और क्वेश्चन आएंगे है ना, उसको करेंगे. अब बच्चों इसी में थर्ड क्वेश्चन के लिए बोल रखा है, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फॉलो द डिवीजन मेथड. व्हाट यू विल डू, यू विल फॉलो द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट. तो एक क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे. जस्ट लेट मी चेक द कैमरा. बच्चों जैसे क्वेश्चन है डिवीजन मेथड का, एक क्वेश्चन है 4225. अगर हम इसका एस्टिमेशन से करते हैं, सर 2 डिजिट को लो, तो वंस प्लेस अगर 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा. 2 डिजिट को बोल जाओ, 42 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 आता है, किसका स्क्वायर हो 6 का, देखो इसका आंसर 65 आएगा.
ये तो सर एस्टिमेशन से आ गया, बट क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है बच्चों? क्वेश्चन इज लुकिंग फॉर डिवीजन मेथड। तो देखिए 42 से पहले परफेक्ट स्क्वायर 36 आता है सर, वो 6 का होता है, तो 6 को 6 टाइम किया होगा तो कितना आया होगा? 36। यहाँ पे देखिए सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा, ठीक है। आगे दोनों डिजिट पुट कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर दो, जो यहाँ पे उसके साथ इसको प्लस कर दे दो, तो 6 और 6 कितना हो गया बच्चों? 12 है। अब सर इस 12 के साथ कौन सा नंबर लो? अगर 4 लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 5 ले लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है, तो मैं 125 को 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 625 आ जाएगा। और यहाँ पे आप 5 पुट कर दीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। जब 0 आ गया तो आपका ये जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, वो क्या आ रहा है? आपका स्क्वायर रूट। शॉर्ट मेथड से भी यही आया था। जैसे एक और है इसके अंदर 4761, क्या दे रखा है बच्चों? 4761। अब इस काम करते हैं, देखिए सर 47 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है सर, वो 36 ही आता है, तो 6 सर यहाँ पे 6 कर दीजिए, ये 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों? 11 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों डिजिट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे क्या लूँ, हम यहाँ पे 9 लेने की कोशिश करते हैं, जैसे 129 लेंगे और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81, 92 जा 18 और 8 26, 91 जा 9 और 2 11, तो यही आ रहा है बच्चों। तो सर 9 टाइम गया, ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 1161, ठीक है बच्चों। ये माइनस के 0, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों? 69। आप एस्टिमेशन मेथड से भी कर सकते थे, कैसे देखिए। अब आपको बताया सर 60 का स्क्वायर होता है 3600, शॉर्ट था 6 × 6 36, दोनों जीरो लगा दो सर। 70 का स्क्वायर होता है 4900 सर, इजी था, 7 × 7 49, दोनों जीरो। ये नंबर जो आ रहा है 4671, ये नंबर किसके पास में है सर? इस वाले के पास में। बट सर लास्ट में 1 कब आता है? या तो 1 के स्क्वायर में भी 1 आ सकता है, या 9 के स्क्वायर में भी 1 आ सकता था, ठीक है। तो या तो सर ये देखो, दोनों डिजिट को भूल जाओ, जो 1 डिजिट का इसे कैलकुलेट कर लिया, 47 से पहले सर या तो 61 आएगा या 69 आएगा। तो बच्चों देखो, ये नंबर इसके पास में है, अगर 61 लोगे तो वो तो बहुत फर्क हो गया उनके बीच में, 61 होता तो हो सकता 38 या 3900 के आसपास होता, बट ये तो सर 4700 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 69। आई होप बच्चों, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।